खरगोश, एक था खरगोश, एक नंबर का वो फल, खाता और सोता रहता, हमेशा खाता, बहुत खाता रहता। इतना खाता कि फिर भी संतुष्ट नहीं था। एक बार क्या हुआ, सभी खरगोश मटर के खेत में घुस गए। सभी ने जल्दी जल्दी खाना खा लिया, पर अपने इस उखड़ खरगोश का खाना खत्म ही नहीं हुआ था। एक खरगोश ने उसे कहा, ए जल्दी चलना, इसका मालिक आ जाएगा और हमें पकड़ लेगा और हमें पत्थरों से मारेगा। उखड़ खरगोश बोला, अरे रुक रे, बहुत खाता हूँ, बड़ी सी डकार लेता हूँ। उखड़ खरगोश पकड़ पकड़ खाने लगा। दूसरा खरगोश, जल्दी जल्दी करना, टेकरी के ऊपर खेत का मालिक आ रहा है। पर उखड़ खरगोश बोला, अरे ठीक रे, और थोड़ा सा खाता हूँ और बड़ी सी डकार लेता हूँ। खेत का मालिक खेत में आ गया। सभी खरगोश चिल्लाने लगे, भागो भागो, खेत का मालिक आ गया। सभी खरगोश दौड़ने लगे और छलांगे मारने। उखड़ खरगोश के बार 12 बज गए, नहीं भागते बना और नहीं लंबी छलांगे मारने लगे। सभी खरगोश मेड़ ऊपर से कूद कूद के करने लगे। उखड़ खरगोश कूदने की कोशिश की थी, पर उसका पेट इतना भारी हुआ था कि मेड़ के नीचे घुस गया और कांटे चुभने लगे। खेत का मालिक हाथ में डंडा लेके आया और उसने डंडा उठाया और खरगोश के पैर में लगा। फिर लड़ाते लड़ाते उखड़ खरगोश जैसे तैसे भागने लगा। थोड़ी देर में उसका घर आया, बच गया। ऐसा सोचते धीरे धीरे चलने लगा। उसमें में से एक सियार दौड़ते हुए आया, बाकी के खरगोश झट से घर घुस गए। उखड़ खरगोश पीछे रह गया। वो भी घर में घुसने लगा, पर उसका पेट इतना भारी फूला हुआ था कि घर के घुस पाया और दरवाजे पर ही अटक गया। अंदर से सभी खरगोश अंदर की ओर खींचने लगे और बाहर सियार खींचने लगे। उखड़ खरगोश चिल्लाने लगा, सियार ने उसकी पूंछ नहीं छोड़ी और उसकी पूंछ कट गई। सियार धड़ाम खाई में गिर गया, जैसे तैसे करके अंदर खींच लाया। बेचारा खरगोश, उसका उसका भूख पर उसमें ही रास नहीं आया। जान पर आई थी पर पूंछ नहीं।